हाय गाइस, मैं उम्मीद चौधरी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक फील्ड कौन सा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल टीचर्स जिन्होंने कभी ना कभी हमारे लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कहीं और। हाँ, मैं प्रोफेशन की बात कर रहा था। मेडिकल, अगर आप समझ लीजिए साइंस की सेक्टर की बात करो, तो मेडिकल प्रोफेशन या ओवरऑल भी अगर आप बात करो तो मेडिकल प्रोफेशन जो है वो नंबर वन पे है, जिसे हमेशा रिस्पेक्ट भी मिलेगा और बहुत सारा ग्रोथ भी है अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो, दैट इज साइंस पार्ट टू। और उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो आईटी, आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ और बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आपने उतना न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ा होगा, बट न्यूज़ अगर आप देखोगे, इकोनॉमिक टाइम्स का कोई पढ़ता होगा तो, हमें बार बार देखने मिलता है कि टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस और भी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर्स, बीटेक इन मैकेनिकल या बी मैन मैकेनिकल को आईटी के लिए हायर किया, उन्होंने बीकॉम वालों को आईटी वालों के आईटी जॉब्स के लिए हायर किया। ये एक साइन है कि आईटी में कितना ज़्यादा स्कोप है, कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, बीसीए और मैकेनिकल इंजीनियर या दूसरे ब्रांच के भी अगर इंजीनियर से थोड़ी बहुत भी उन्होंने प्रोग्रामिंग सीख ली तो उन्हें आईटी में इजीली जॉब मिल जाती है। और आईटी की मैं बात करूं तो गाइस 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस में आप वहां पर 7 डिजिट तक अपना जो पे स्केल है, सीटीसी है, आराम से पहुंचा सकते हो। मेडिकल प्रोफेशन आपको पता ही है, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलबी, बीपीओ और बीएससी नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज जो मेडिकल में है, मेडिकल हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा गाइस। आपको आपको पेंडेमिक में भी पता है कितनी हम लोग ने इंपॉर्टेंस और कितनी हमें जरूरत थी मेडिकल प्रोफेशन, इसीलिए टॉप पे है, एकदम नोबल प्रोफेशन है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तभी आप उसमें जा सकते हो, इंटरेस्ट नहीं होगा जाके मतलब नहीं है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है आईटी, पहले हम लोग बोलते थे कि इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत होता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा है ऐसा। नाउ हम लोग इंडिया को एक आईटी एक्सपोर्टर के नाम से जानते हैं, आईटी मैन्युफैक्चरिंग हब। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड की बात करो तो वहां पर मोर देन 40% जो आईटी सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं, वेब डेवलपर हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, और भी आईटी में बहुत सारे सब डोमेन्स होते हैं। वहां पर मोर देन 40% पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंडियन है, जो आईटी कम्युनिटीज में वर्क कर रही है, आईटी कंपनीज में वर्क कर रही है, तो इतना ज्यादा स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है। तो जो मेडिकल प्रोफेशन है उनका तो क्लियर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना है, साइंस में जाना है। अब आईटी में जाने के लिए क्या क्या वे है? क्या सर मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, क्या मैं आईटी में जा सकता हूँ? मुझे कॉमर्स लेना है, क्या मैं आईटी में जा सकता हूँ? ऐसे सवाल बहुत सारे स्टूडेंट के आए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, कुछ भी लो, जो आपका इंटरेस्ट है वो लो और फिर भी आप आईटी में जा सकते हो। कैसे? सिर्फ आपको मैथ्स लेना है, 11th 12th में आपको मैथ्स लेना है, और फिर आप आईटी में जा सकते हो। आप साइंस लो, फिर आप बीएससी आईटी कर सकते हो, बीएससी सीएस कर सकते हो, या आईटी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो आईटी में जाने के लिए, दैट इज वन ऑप्शन। आपने साइंस लिया, दैट इज अनदर के, साइंस में जाके इंजीनियरिंग या आईटी में आराम से जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर में, बट आईटी नहीं, सर साइंस नहीं लिया है, कॉमर्स और आर्ट्स है, वो कैसे जाएंगे? तो कॉमर्स और आर्ट्स के लिए अगर आपने 11th 12th में मैथ्स लिया है तो आपके लिए एक कोर्स है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बीसीए एक 3 साल की ऐसी डिग्री है जो आपको आईटी की नॉलेज देती है, आईटी के सब्जेक्ट सिखाती है, आईटी का नॉलेज क्लियर करके आपको पक्का करती है, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो, कैपेबल हो जाते हो आईटी वर्ल्ड में काम करने के लिए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल साइंस में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, 60 50 40, बट आईटी में जाना है, बट कॉमर्स लू क्या लू, आप आपको जो मन कर रहा है वो ले लो, कॉमर्स लग रहा है कॉमर्स ले लो, आर्ट्स लग रहा है आर्ट्स ले लो, उसके बाद आप बीसीए डिग्री में जा सकते हो, बीसीए डिग्री करने के बाद आप कैपेबल हो जाओगे आईटी में काम करने के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट की ये डाउट है कि सर इंजीनियरिंग में तो मैंने सुना है लैक ऑफ फीस लगते हैं, क्या करें, उतना फीस कैसे दे? तो कोई बात नहीं ना, आप बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस कर सकते हो। इसकी फीस मुश्किल से 20,000 से 30,000 के बीच में होती है पर ईयर की, 3 साल का मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, ये आपको कैपेबल कर देगी। 20-30,000 एक्स्ट्रा अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया और कोई आईटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कोर्सेज वगैरह कर दिया, जो ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ऑफलाइन में भी, बस आपको आईटी जॉब फटक से लग जाएगा। आईटी जॉब भले 5 डिजिट से स्टार्ट होता है,
बट वो 7 डिजिट 8 डिजिट तक भी जाता है एक्सपीरियंस के साथ, तो उसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत स्कोप है। ओके, और आजकल आप वो सब छोड़ दो, आप सिंपली Naukri.com पे जाओ, इंडीड पे जाओ, ग्लास डोर पे जाओ, एम्बिशन बॉक्स पे जाओ, ये सारे अलग अलग वेबसाइट्स हैं। ओके, लिंक्डइन पे जाओ, आपको आईटी के खाली आप डालो आपके सिटीज में, आप जहां पर हो, कोई भी सिटी हो, Tier 1, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, हर जगह आईटी के वैकेंसीज आपको मिलेंगे। तो आईटी में बहुत ज्यादा स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ मैथ्स आपका होना चाहिए बस। ओके, आपने 11th 12th किया, उसके बाद BCA कर लो। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी कोई है कि सर मैंने BCom कर लिया, मैंने BA कर लिया, अब क्या करूं मैं, कोई बात नहीं, आप MCA कर लो। MCA कोई भी ग्रेजुएट MCA कर सकता है, MCA इज अ 2 ईयर्स का जो है IT का डिग्री है, जिसके बाद आप IT में वर्क कर सकते हो। या तो एक और ऑप्शन है, आपने BSc वगैरह किया या इंजीनियरिंग वगैरह किया है, उनके लिए इंजीनियरिंग किया जिसने, उनके लिए BSc CS BSc IT BCA वालों के लिए जॉब नहीं मिल रही है, तो 3 मंथ्स का, 5 मंथ्स का, 6 मंथ का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ये सारे चीज़ों पे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हैं। ओके, वो आप कर लो, आपको जॉब मिल जाएगा। ओके, सो गाइस, तो मुझे यही बताना था कि IT का इंडिया में बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ओके, और फर्स्ट है मेडिकल, मेडिकल प्रोफेशन और IT का प्रोफेशन, ये दोनों बेस्ट है। उसके बाद ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका कोई डिसाइडेड वगैरह नहीं है, इसका डिसाइडेड हो चुका है, वो अपने ट्रैक पे बने रहो, ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट डिफिकल्टीज है आप जरूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम के द्वारा, मैं उसके ऊपर एज सून एज पॉसिबल आपको वीडियो बना सकता हूँ या आपको पर्सनल रिस्पॉन्स करके आपका क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर। ओके, और किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट डिफिकल्टीज है, फटाक से टेलीग्राम इंस्टाग्राम करो, एज सून एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई यू। ऑल द बेस्ट गाइज।